बहुत फेमस रागनी है, कोशिश करती हूँ गाने की, कि जब भगत सिंह जेल में बंद होते हैं तो भगत सिंह की माँ भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए जाती है। भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे को चार दीवारियों के बंद देखते हुए। भगत सिंह ने देखा कि माँ क्यों रो रही है, कि बेटा ये मत समझना कि मुझे दुख है कि इसलिए रो रही हूँ, मुझे दुख नहीं है, ये दुखी के आंसू नहीं है बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। अरे मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। मैं तो तुझे ये समझाने के लिए आई हूँ बेटा कि चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन इन चार दीवारियों के अंदर भगत सिंह तरह जी नहीं घबराना चाहिए। भगत सिंह कहता है कि माँ कि घरा भी मरना बाहर भी मरना, मरना के दुख के हो माता, कि घरा भी मरना बाहर भी मरना, मरने का के दुख हो माता, और इस काल की टाल का देना होती सभी जगह पर हो माता, कि माँ चाहे मैं 7 तालों के भीतर बंद हो जाऊं, अगर मेरा काल आएगा तो मुझे वहां भी खा जाएगा। मैं इस देश के लिए जान देने जा रहा हूं और मेरे मरने के बाद इस देश में आजादी आएगी। किस तरह से भगत सिंह की माँ भगत सिंह का हौसला बढ़ाती है, क्या कहती है, क्या लिखा पंडित मंगेराम जी? हे रे सो पड़े मुसीबत बेटा, कि भगत सिंह चाहे तुझ पे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन मेरे बेटा मेरे लाल इन चार दीवारियों के अंदर जी नहीं घबराना चाहिए। हे रे सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह पद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह पद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हे सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह पद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह पद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रागनी पे खुशियों कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भूरू प्रधान जी, वो भी जिन्होंने पहले भी ढेर सारा पुरस्कार दिया और फिर से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे लाला प्रधान जी जो झज्जर से चल के हमारे बीच में आए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, 200 रुपए का पुरस्कार दिया। और आदरणीय काला प्रधान जी, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहती हैं दूसरी लाइन? सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह का दर्जी बाबा राजा तेरा बंद मकान में।
अंग्रेजों ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तीनों वीरों ने ये कहा कि हम मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा ये कि तुम हमारे तीनों के हाथ खोल दो। उन्होंने कहा कि क्यों हाथ क्यों खुलवाना चाहते हो, कहीं तुम हमें चकमा देकर भाग गए तो। तब भगत सिंह ने कहा कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी भी, हम मर तो सकते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीठ फेर कर भाग नहीं सकते। अरे हम हाथ इसलिए खुलवाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते, क्या पता हम आगे मिले या ना मिले। तीनों वीरों के हाथ खोल दिए गए, तीनों वीर एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, क्या मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। रागनी पे खुश होकर आदरणीय अमर प्रधान जी डीघल से वो भी खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार दिया तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहने लगी इस एक गोरख धंधा बने, इस एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला छीने, आजादी का भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, ऐसी कौन जहान में भगत सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय। पुरस्कार दिया भूरू प्रधान जी ने, फिर से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भूरू प्रधान जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अंतिम लाइनों में पंडित मांगेराम जी ने क्या लिखा, श्री मांगेराम गुरु की शरणा, मांगेराम गुरु की शरणा, मर के बिना में अमर करना, मर के बिना में अमर करना, एक दिन हो सब सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कद जीना बेड़ा जे तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद।